एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग के पास। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, आशा एंड सैम्यूल हैव बुक शेल्व्स ऑफ द सेम साइज पार्शली फिल्ड विथ बुक्स। आशा और सैम्यूल के पास एक एक बुक शेल्व्स है, किताब रखने का जगह, और उन दोनों का साइज सेम है और कुछ पार्ट जो है भरा हुआ है किताबों से। आशा सेल्फ इज 5/6 फुल एंड सैम्यूल्स सेल्फ इज 2/5 फुल। मतलब आशा का सेल्फ जो है इतना पार्ट फुल है और सैम्यूल का सेल्फ जो है इतना पार्ट 2/5 पार्ट फुल है, भरा हुआ है। हुज बुक सेल्फ इज मोर फुल बाय व्हाट फ्रैक्शन। तो किसका बुक सेल्फ ज़्यादा भरा हुआ है और कितना फ्रैक्शन से ज़्यादा भरा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को कंपेरिजन करना होगा और जो बड़ा रहेगा उसमें से उसको माइनस कर देना होगा, फिर पता चल जाएगा कि किसका ज़्यादा भरा हुआ है और कितना ज़्यादा भरा हुआ है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं आशा सेल्फ। आशा का सेल्फ जो है वो कितना भरा हुआ है। आशा सेल्फ 5/6 इतना भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं सैम्यूल्स। सैम्यूल्स का सेल्फ कितना भरा हुआ है। सैम्यूल्स सेल्फ इज फुल ऑफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5। ये हो गया। अब किसका ज़्यादा भरा हुआ है कैसे पता चलेगा, इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपेरिजन करना पड़ेगा। कंपेरिजन ऑन बॉथ, दोनों को हम कंपेरिजन कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5/6 यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2/5। इस तरह से छोटा बड़ा मैंने पहले भी बतलाया है, इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 2 = 12 हो गया इधर और 5 × 5 = 25 हो गया। तो बड़ा कौन है, यहाँ पे 25 बड़ा हो गया। तो इसको इस तरह से लगा लेते हैं, मतलब ये बड़ा हुआ। ये किसका फ्रैक्शन है, आशा का फ्रैक्शन है। तो कितना से बड़ा है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो 5/6 − 2/5 यहाँ पे इक्वल टू इसका एलसीएम क्या हो गया, इसका एलसीएम 5/6 = 30 हो गया। और यहाँ पे ये नंबर जो है इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, मतलब ये जो नंबर आया हुआ है यही आ जाएगा यहाँ पे 25 − 12। तो कितना बार हो गया, ये 13 हो गया, 13/30। तो ये कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आशा सेल्फ इज मोर फुल बाय 13/30। तो यहाँ पे 13/30 और यही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग के पास। तो यहाँ पे है क्वेश्चन और ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या कह रहा है, जयदेव टैक्स इतना मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। जयदेव को स्कूल ग्राउंड पार करने में इतना मिनट लगता है। राहुल टेक्स इतना मिनट्स टू डू द सेम, और राहुल को वही ग्राउंड पार करने में इतना मिनट लगता है। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, कौन कम समय लेता है और कितना फ्रैक्शन से कम लेता है, फ्रैक्शन के रूप में उसका आंसर दिखाना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जयदेव कितना समय लेता है। जयदेव इक्वल टू कितना समय लेता है, 2 and 1/5। इसका मतलब है 5 × 2 = 10 हो गया, 10 और 1 = 11 हो गया, इसका मतलब है 11/5 minutes। उसके बाद राहुल, राहुल कितना समय लेता है, टैक्स टाइम 7/4 इतना मिनट वो लेता है। तो फिर कौन ज़्यादा समय लेता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपेरिजन करना पड़ेगा। कंपेरिजन ऑन बॉथ इक्वल टू 11/5 और 7/4, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 11 × 4 = 44 हो गया, यहाँ 44 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 7 × 5 = 35 हो गया, इस साइड 35, तो यहाँ 44, ये ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा समय लेता है। कौन ज़्यादा समय लेता है, जयदेव ज़्यादा समय लेता है। तो राहुल जो है कम समय लेता है, तो कितना से कम लेता है, इसके लिए हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11/5 − 7/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो यहाँ पे 44 लिख लेते हैं और माइनस फिर 35 हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा सबसे पहले 5 और 4, तो इसका मतलब है कि 9/20 हो गया। इतना मिनट्स जो है कम लेता है। तो यहाँ पे नीचे में लिख देते हैं राहुल टैक्स 9/20
मिनट्स लेस, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9, और इसके साथ एक्सरसाइज 7.6 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।